Sagar, what about you, sir? I'm fine. I'm doing a lot of work nowadays. In this lockdown period particularly, I got a lot of time, a lot of opportunity to do some new kind of work. In 1.5 or 2 months time duration, I have written a new play, which I'm going to stage in after the lockdown will be over. And I'm editing one of my book, which I am supposed to publish this year. I'm working on that, yes. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो मीडिया है ये मेरे लिए बड़ी अजीब सी बात है क्योंकि आई एम नॉट अकस्टमर्ड टू दिस काइंड ऑफ वाया मीडिया बिकॉज वी थिएटर पीपल यू नो वी टॉक डायरेक्टली एंड इट इज़ अ मीडियम ऑफ डायरेक्ट कम्युनिकेटिव मीडियम सो अब मजबूरी है हमारी वी ऑल हैव आवर ओन लिमिटेशन बिकॉज ऑफ द करोना वी कन्फाइंड टू आवर ओन स्मॉल स्मॉल रूम्स एंड स्मॉल हाउसेस सो विदाउट इंटरेक्शंस विदाउट कम्युनिकेशन हम तो हमारा खाना ही हजम नहीं होता so I think this is the best medium to connect with each other aur koi rasta bhi nahi hai but ha ye hai ki ye theater nahi hai theater mein do log aamne samne hote hain front to front hote hain yahan par to beech mein ek device technology aa jata hai jiski wajah se aap mujhe dekh pa rahe hain ye ek tarfa bhi hai वन साइडेड होने की वजह से भी हम कभी कभी एम्बेरसिंग फील होता है कि जो मैं बोल रहा हूँ लोगों तक पहुँच पा रहा है क्या ये भी एक बड़ी समस्या आता है क्योंकि हम जब क्लास में होते हैं या रिहर्सल्स में होते हैं या प्रोडक्शंस में होते हैं हमारे सामने अपने दर्शक होते हैं और इनमें हमें इमीडिएटली रिस्पॉन्स मिल जाता है सो इट इज़ अ वंडरफुल मीडियम थिएटर इज द मोस्ट वंडरफुल मीडियम ऑफ द वर्ल्ड ये एक चमत्कार है तो उसका साथ इतने साल से एक अंतरंग संबंध स्थापित करने के बाद अचानक कट जाना मैं कह नहीं सकता कितने जल्दी नियर फ्यूचर विल ओपन दिस आवर थिएटर कैन वी गो बैक टू आवर मीडियम इन ए मंथ इट्स इम्पॉसिबल आई थिंक क्योंकि आप भले ही लॉकडाउन उठ जाए तो हम थिएटर हॉल में आ जाएंगे तो ऑडियंस नहीं आएंगे शायद क्योंकि लोगों के अंदर में भय बहुत बन तो ये दोबारा से शायद आते आते एक साल लग जाएगा रिज्यूम करने में तो ये हमारे लिए बड़ी समस्या है खास करके जो लोग प्रैक्टिशनर्स हैं जो लोग राइटर्स हैं ऑथर्स हैं या प्रोफेसर टीचर्स हैं एकेडमिशियन हैं उनके लिए तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज दे कैन एक्सप्रेस देमसेल्व्स थ्रू देयर बुक्स एंड ऑल दिस थिंग्स थ्रू देयर राइटिंग्स बट फॉर अस दोज हु आर प्रैक्टिशनर्स वी नीड एक्टर्स विदाउट एक्टर आई कांट सर्वाइव एक दिन जिंदा रहना मुश्किल हो जाता है तो ऐसी स्थिति में हमें काम करना दोबारा से मैं मतलब हम तरस रहे दोबारा कब मिले कब काम करें तो उसके बीच में आई रियली थैंकफुल टू कोकोनट थिएटर ऑर्गेनाइजेशन दोज हु इनवाइटेड मी टू हैव इंटरेक्शंस विथ यू भले ही एक तरफा ही सही बट स्टिल देन इट्स नॉट वन साइडेड लिटिल मोर देन दैट बिकॉज आई एम गेटिंग मैसेज फ्रॉम यू ऑल सो वी कैन हैव इंटीमेट डिस्कशंस मुझे मैं बहुत बहुत धन्यवाद कोकोनट थिएटर के जितने सारे ऑर्गेनाइजर्स हैं उन सबको कि उन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दिया दे हैव गिवन प्रोवाइड मी अ प्लेटफॉर्म टू बी विथ यू फॉर ए मोमेंट फॉर ए टाइमिंग मे बी हाफ एन आवर वन आवर सो इस समय और उन्होंने भी हमें एक टॉपिक दिया दे हैव गिवन मी वन टॉपिक टू टॉक टू यू सो लेट अस स्टार्ट विथ आवर टॉपिक में अपने रंग कर्म के पड़ाव के बारे में बात करने से पहले मैं चाहूँगा कि मैं अपनी एक्सपीरियंस तो शेयर करूँगा ही पर उसके पहले मैं ये करना चाहूँगा मैं कुछ एक खास टॉपिक उन्होंने मुझे जो दिया है जिसमें मैं थोड़ा बहुत शायद ये रख पाया हूँ थोड़ा बहुत अथॉरिटी रखने की कोशिश कर रहा हूँ वो है स्पेस डिज़ाइन तो जिसको लेकर मैं आज बात करूँगा देर आर टू बुक्स अवेलेबल my book on the crossroads of theater it is available in NSD bookstall and another book it is under publication with Niyogi Books Delhi is going to publish it maybe because we are working on it from both the sides it will come after this lockdown so and there are a few Odia publications which you cannot read that is my mother tongue I have written a few number of books in my own language I should contribute to my own region own language and then it will strengthen my energy so that is why main kabhi kabhi odia mein likhta rehta hu but main hindi mein kaam karta raha hu aur pichle 40 saal se for the last 40 years I am working in the medium of theater and particularly usme se main ek vidha chuna hu that is
जिसको मैं पहले कहता था सिनिक डिजाइन, सेट डिजाइन, जो आप जानते होंगे, मैं उसको बाद में रिफाइन करते हुए आज एक पड़ाव पर आ पहुंचा जहां पर मैं उसको सिनिक डिजाइन से भी थोड़ी सी ऊपर, जो कि परफॉर्मेंस के साथ आके जुड़ जाता है, ये मामला सिर्फ मंच तक सीमित होकर नहीं रहता, वो दर्शक को भी अपने समेट अपने में लपेट लेता है, समेट लेता है। वो एक ऐसा विधा जिसका हमारे हिंदुस्तान में लोग उनको मालूम पड़ चुका है, बहुत लोगों को मालूम है। मैं सीनोग्राफी का ऊपर काम करता हूँ। सीनोग्राफी इज द लिटरेचर ऑफ स्पेस, इज द लैंग्वेज ऑफ स्पेस। स्पेस, रंगमंच की स्पेस जिस पर हम काम करते हैं, जिसमें सारी सारी चीजें एक समय पर दर्शक को का सामने आ जाता है, जिसमें मंच होता है, एक्टर्स होते हैं, जिसमें बहुत सारे मंच विधान होते हैं, कॉस्ट्यूम डिजाइन होती हैं, प्रॉपर्टी डिजाइन होती है, लाइट डिजाइन होता है, मेकअप होता है, उससे डिजाइन होता है, और ये सब को हम एक थ्री डायमेंशनल, थ्री आयामी मंच पर एक जीवित रूप में हम दर्शक के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। और एक ऐसा क्षण, उस क्षण में एक ग्रुप ऑडियंस का और एक ग्रुप एक्टर्स का दोनों मुखातिब होते हैं। तो पीटर ब्रुक ने अपनी बहुत मोनोमेंटल बुक उसमें द एम्प्टी स्पेस में ये बात कहा है, पहले ओपन किया, ओपन करता है उस किताब में कि व्हाट इज थिएटर। थिएटर को उसने चार भाग में बांटा है, डेडली थिएटर, रफ थिएटर, होली थिएटर एंड इमीडिएट थिएटर। ये चारों विभाग से बांटते हुए उन्होंने पहले ओपन करता है व्हाट इज थिएटर, एनी काइंड ऑफ थिएटर, चाहे वो बाद में उसके बारे में हमें जाने की जरूरत नहीं, व्हाट इज डेडली थिएटर, हमें उसके बारे में ये डिस्कोर्स में मैं बात नहीं करूंगा। बट हाँ, पीटर ब्रुक ने जरूर ये कहा है कि एक खाली मंच जहां पर एक आदमी उस मंच की तरफ को अपनी नजर गड़ाए बैठा है, और एक दूसरा आदमी जो मंच की वो मंच के एक भाग से, कोने से, एक विंग से निकल कर और दूसरी विंग में चला जाता है, और उसी के साथ रंगमंच शुरू हो जाता है। तो ये होता है रंगमंच, और उस रंगमंच में एक निर्दिष्ट समय पर, एक खास टाइम पे कुछ केमिस्ट्री घटता है, कुछ घटना घटित हो जाता है, जिस जो कि अतीत में नहीं था और भविष्य में क्या होगा नहीं मालूम, क्योंकि वो समय के साथ जिंदा रहता है, वो टाइम बाउंड आर्ट है, वो समय के साथ चलता है, और एक निश्चित जगह चाहिए। तो टाइम एंड स्पेस, ये दोनों का समन्वय में एक थ्री डायमेंशनल आर्ट फॉर्म का जन्म होता, निर्माण होता है, और उस दो घंटे, डेढ़ घंटे, एक घंटे, 45 मिनट का जितना भी ड्यूरेशन नाटक का होता है, उस दरमियान दोनों ग्रुप एक खेल की तरह खेलते रहते हैं। सो इमोशन रूपी हमारे भाव, हमारे जो भाव हम प्रकट करते हैं मंच पर, उस भाव को दर्शक ग्रहण करता है और दर्शक उसको रिबाउंड करता है हमारी तरफ। इट्स लाइक ए फुटबॉल मैच, एक मैच है, क्रिकेट मैच है, एक फुटबॉल मैच है, एक एनी। तो भरत मुनि ने भी नाट्यशास्त्र में कहा है, क्रीडनीय वस्तु, एक खेलने वाला वस्तु, जो रंग नाटक है, जो हमारे टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट एक खेलने वाली वस्तु होता है, उस वस्तु को दोनों ओर से खेला जाता है, एक तरफ दर्शक खेलता है, दूसरी तरफ ऑडियंस खेलता है, वो हमें बॉल फेंकता है तो हम उसको जवाब देते हैं, तो इसीलिए वो बहुत ही इमीडिएट है, अभी अभी है, और अभी इसी समय, इसी समय यहाँ पर मौजूद होता है, और थोड़ी देर के बाद जब नाटक समाप्त हो जाता है वो कहीं अदृश्य हो जाता है, उसको आप पकड़ भी नहीं सकते, इट्स टोटल एब्स्ट्रैक्ट मीडियम, आप पकड़ भी नहीं सकते। एक पेंटिंग को, एक स्कल्पचर को, या जो आप छू सकते हो, आप देख सकते हो, जब चाहे आर्ट गैलरी में घूमकर आप देख सकते हैं, वो आपके हाथ में होता है। बट एक रंगमंच एक ऐसा कला है जिसका आप चाहो तो नहीं देख सकते, आप कोशिश भी करें तो भी वो दिखाई नहीं देगा, जब उसका समय आएगा उसी समय के दरमियान वो आके दिखाई देगा, और उसी समय, और जितना आपको दिखाई दिया और जितना आप आगे बढ़ते जाते हैं उतना ही वो पीछे से खत्म भी होता जा रहा होता है। आप देखिए ना, उसका अतीत है, ना अतीत में जो हुआ था अभी 5 मिनट पहले, जो जो घटना, जो सीन हुआ, आप चाहे तो दोबारा उसको देख भी नहीं सकते, और आने वाले 5 मिनट में क्या होगा ये आपको नहीं मालूम। आने वाले 5 मिनट के दरमियान जो सीन आएगा, आप कुछ भी हो सकता है, वो डायलॉग हो सकता है, एक्टर डायलॉग हो जाए, आप व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन इन द नेक्स्ट 5 मिनट्स वी डोंट नो। सो और हो सकता है एक्टर कुछ नया इम्प्रोवाइज कर ले, हो सकता है जो रिहर्सल्स में हुआ है उससे कुछ अलग बनकर सामने निकल के आ जाए। तो भविष्य के में क्या होगा हमें नहीं मालूम होता है, अतीत हमारा है नहीं, इसलिए ये माध्यम हमेशा प्रेजेंट में जिंदा रहता है। इसका ना इसका कोई अतीत नहीं था, ना कोई भविष्य है, इसीलिए वो प्रेजेंटेशनल आर्ट है, आर्ट फॉर्म है, या प्रेजेंट में, वर्तमान में रहता है और वर्तमान की बात करता है।
ये कल की बात नहीं करेगा, आज आने वाले दिनों की बात नहीं करेगा। जिस समय हम बात कर रहे हैं वो इसी समय की बात करती है। मैं 21st century की बात कर रहा हूँ। मैं अभिज्ञान शकुंतलम को अगर खेलूंगा या किंग ओडिपस नाटक को अगर लेके आऊंगा मंच पर, मैं 200 BC पे 300 BC पे नहीं जाऊंगा, या कालिदास का 5th century में नहीं जाऊंगा। मैं आज की कंटेक्स्ट में हमारे सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिकल कल्चरल हमारा एंथ्रोपोलॉजिकल हमारा लाइफ कैसा है उसके साथ उस नाटक का समन्वय बनाना पड़ता है। इसलिए थिएटर को कहा गया कंटेम्पोररी आर्ट, समय उपयोगी, समय के साथ चलने वाला एक ऐसा कला जिसको एक कम्युनिटी में घटित होता है। तो ये एक बहुत आश्चर्य की बात है ना, रंगमंच एक मिस्टिसिज्म है, एक रहस्य है। इस रहस्य में हम सब घुले हुए हैं, हम सब अपने आप को डिस्कवर कर रहे हैं। हर मोमेंट में, हर शो में हम कुछ नए डिस्कवर कर रहे हैं। कुछ कल का शो जो हो गया और जो शो होगा, दोनों में दोनों कताई एक जैसे नहीं होंगे। इट इज नॉट ए फिल्म, आप इसको रिकॉर्ड करके एक जगह पे नहीं रखा है। उसी वक्त जब एक एक्टर आएगा मंच पर और उसका मानसिक क्या है उसके ऊपर नाटक निर्भर करता है। उतना भी आप कहें कि वो कोशिश करेगा, कल जो किया था कल बहुत अच्छा परफॉर्म किया था मान लीजिए, और आज टेबल को टच करेगा, हो सकता है ना करें। कल जहां ऑडियंस ने क्लैप किया था आज वहां नहीं करेंगे, वो हो ही नहीं सकता। इसीलिए थिएटर जो है इमीडिएट आर्ट है। सो इस इमीडिएसी के अंदर में मैं एक विधा पर काम कर रहा हूं, उसको मैंने कहा मंच विधान, या जिसको मैं कहा हूं सिनोग्राफी। सिनोग्राफी जो स्पेस और ऑडियंस के बीच का एक समन्वय पैदा करता है, दर्शक कैसे नाटक देखना चाहेगा। मंच को अगर एक फ्रेम अगर मान लेते हैं, अगर एक कैमरा एंगल पे हम मंच को देखते हैं, उसमें जो भी घटित हो रहा है, जो भी दृश्य में घटित हो रहा है, वो विजुअल्स, टोटल विजुअल्स सिनेमैटिक अंदर आता है। और अगर हम कैमरा पैन करते हैं दर्शक की ओर, और पीछे हमारे जो दर्शक बैठे हुए हैं, ऑडियंस के सामने जो दर्शक होते हैं, वो भी उसी एंगल में, तो थिएटर इज ए 360 degree एंगल व्यूइंग। आप दर्शक को भी देखिए, ऑडियंस को भी देखिए। इन सारे चीजों को लेकर मैं जो काम, जो मैं कई साल से इसका ऊपर काम कर रहा हूँ, ये सिनोग्राफी है, जिसमें मैंने कहा कि इट इज द लैंग्वेज ऑफ स्पेस। कितने तरह के स्पेस होते हैं, स्पेस 3-dimensional होते हैं। आज कल स्पेस जैसे हम बात कर रहे हैं, ये भी एक मीडियम, ये एक स्पेस है, और आपके हमारे बीच के बीच में एक डिजिटल, एक वर्चुअल मीडियम काम कर रहा है। तो यहाँ पर ना आप देख रहे हैं मुझे 3-dimensional, पीछे का जो दूरी है वो पेंटिंग दिखाई पड़ रहा होगा, वो मेरे से दूर है, और इधर साइड पे वॉल है, मेरा बुक सेल्फ है जो मेरे से दूर है। बट आप अगर टीवी स्क्रीन में या कंप्यूटर स्क्रीन में हाथ फेरेंगे, वो एक ही लगेगा। सो यहाँ पर जो आयाम बनता है, डेप्थ वाली जो बात है, 3-dimensional जो बनता है, वो डेप्थ, चाहे वो टेलीविजन हो, फिल्म, चाहे डिजिटल मीडियम हो, जो भी टेक्नोलॉजी के साथ काम करता है, वहां पर 3rd dimension की, जैसे पेंटिंग्स है, पेंटिंग्स में 3rd dimension जो है ए इल्यूजन है, उसमें रियलिटी में नहीं, रंगों के और रेखाओं के माध्यम से वहां पर हम 3 dimensions को क्रिएट करने, उसका भ्रम पैदा कर, उसके भ्रम वो एक्चुअली नहीं होता है, वो एक आभास देता है, बट थिएटर वो नहीं। इसीलिए थिएटर इज मोर नियर कल्चर देन पेंटिंग्स। अगर आप देखेंगे एक एक्टर, एक चरित्र अगर मंच पर आता है, उसकी एक आयाम होता है, एक लंबाई है, एक दीर्घाई है, एक हाइट है। सो दैट इज व्हाई जब हम मंच पर आ सकते हैं, उसके पीछे घूम सकता है, अगर एक कलाकार खड़ा है, उसके दूसरा कलाकार उसके बैक में आराम से जा सकता है, क्योंकि ये 3-dimensional स्पेस है। बट फिल्म में या पेंटिंग्स में पॉसिबल नहीं, में वो स्थिर होता है, उसमें मूवमेंट्स नहीं होती है। मूवमेंट रंगों के माध्यम से डेवलप होता है, बट थिएटर एक्टर्स के माध्यम से क्रिएट होता है, और उस मूवमेंट जो है विजुअल की गति को मेंटेन, अगर वो गति नहीं होगा, इट बिकम्स ए डेड स्पेस। तो स्पेस जो होगा डेड हो जाता है, और स्पेस को लाइव करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टर्स का है, जो इनानिमेट ऑब्जेक्ट, जो इनानिमेट ऑब्जेक्ट्स है, जैसे इस घर में सब्जेक्ट्स है मेरी, तो ये सारे बात, इसी तरह मंच पर हम जो भी सेट लगाते हैं, जो भी कॉस्ट्यूम एक्टर पहनता है, जो भी उसके ऊपर लाइट्स आता है, स्थिर है और वो मूव नहीं करेगा, बट एक्टर की इंटरेक्शन से साइकोलॉजी में वो मूवमेंट्स क्रिएट होगा, एंड दैट इज विजुअल मूवमेंट। अगर नाटक में विजुअल मूवमेंट्स नहीं है,
भले ही आप स्थिर बैठे हुए हैं पर आप मरे नहीं है, क्योंकि आपके अंदर एक मूवमेंट हो रहा है, एक इंटरनल मूवमेंट चल रहा है। और अगर वो मूवमेंट नहीं होगा तो उस दिन आप, और उस स्पेस को मैं डेड स्पेस के, जिस स्पेस में मूवमेंट नहीं होता। रंगमंच कितना भी अच्छा, आपने बहुत बड़े एक्टर्स लेकर मंच पर खड़ा कर दिए, बहुत एक्टर्स है, बट वो स्पेस को यूज नहीं करता, स्पेस के डायमेंशंस को यूज नहीं कर रहा है, आप स्पेस चुभ रहा है, क्योंकि इसमें जो जो डिजाइन हमने क्रिएट किया है वो नहीं करने की वजह से वो अपने आप में उसका हो रहा है। वो एक वो भी इतना पावरफुल होता है कि और वो सामने बिल्कुल आपका है, क्योंकि उसमें मूवमेंट्स नहीं है, तो आप बार बार आपके नजर उधर की तरफ जाएगा, रोकेगा। और एक्टर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है हाउ टू क्रिएट ए विजुअल साइकोलॉजिकली इन द माइंड ऑफ द ऑडियंस, तब हम उसको कहते हैं वो इंटरैक्टर्स होता है, वो स्पेस में इंटरैक्ट करता है, वो इंटरैक्टिव स्पेस होता है, स्पेस सब तब वो पीछे बेवकूफ की तरह एक डेड ऑब्जेक्ट की तरह पड़ा रहेगा। सेल्फ यहां पर है, अगर मैं किताब इसमें से नहीं उठाऊंगा, अगर मैं यहां से अगर बुक नहीं उठाऊंगा, स्पेस है, मैं वहां पर गया और उस अलमारी से मैंने किताब उठाया, हाथ में लिया, मैंने पन्ने पलटे, तब वो चार्ज हो जाता है, दैट इज कंट्रेस्ट, उसमें एक इंटरेस्ट पैदा, दर्शक किस अंदर में एक इंटरेस्ट पैदा, तो क्या करेगा, किताब पलटा, किताब पलटते हुए देखते हुए अचानक उसके अंदर में एक फूल की पत्ती, फूल का पत्ती पड़ा था या कोई फूल सूखा हुआ था, और उसके बाद वो अचानक याद आता है से 20 साल पहले उसकी प्रेमिका ने उस फूल उसे दिया था। जस्ट इमेजिन सीन, कितने मुहूर्त होगा, और धीरे धीरे वो किताब उसके हाथ से वो बदल जाता, तो यहां पर आप डिजॉल्व ले लेते उसका पुरानी, पर थिएटर है हमारी इमेजिनेशन में, दर्शक अपनी इमेजिन समय पे पहुंच जाता है जहां उस दर्शक जो सीन को देखता है एक्टर उस किताब को खोलते हुए याद करता है उसकी प्रेमिका को, हाथ में वो सूखा मुरझा हुआ फूल को पकड़ते हुए जो प्रेमिका चली गई, और ऐसे वो जी रहा है कलाकार, यहां से जो रस निष्पत्ति हो रहा है दर्शक उस रस को पान कर रहा है, और दर्शक उसी फूल के सहारे, स्टेज प्रॉपर्टी है, छोटा सा ऑब्जेक्ट है, दर्शक अपने अपने जीवन के इस ऐसे ही अनुभूतियों को टटोलने की कोशिश कर स्टेज कनेक्ट हो जाता, जुड़ जाता है, तब मंच पर ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी मरे हुए एलिमेंट्स वो लिविंग स्पेस में बदल जाता है, और तब दर्शक उस मोमेंट को भूल खाया नहीं, कोई लड़की नहीं आता है उसकी प्रेमिका वहां पर दूसरे आता है, जरूरी नहीं है बिल्कुल, अगर आपने सब दिखा दिया वो कला नहीं है, वो सिर्फ क्राफ्ट है, तो उसमें स्किल है, आपने अगर कोई लड़की ले आए, इमेजिन कर रहा है अपने एक लड़की ले आए तो दिखा दे, इट्स वेरी इसे कोई चमत्कार तो तब हो, दर्शक अपने माइंड में अपनी गर्लफ्रेंड को देखे ना क्या हुआ कोई लड़की को देखे, तब थिएटर मैजिकल स्पेस में बदलता है, दिस इज द मैजिक ऑफ थिएटर। यहां पर आसमान की तरफ इशारा करता हुआ कहता हूं देखो वहां पर कितने सुंदर चांद खिला हुआ है, चांदनी रात है, और मेरी कोई चांद नहीं होता, एक ब्लैक साइक्रीन की तरफ मैं इंगित करता हूं कि वहां पर एक चांद उगा है, देखता है, दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ थिएटर। ये कोई भी विधा, दिस इज सिनोग्राफी, दिस इज सिनोग्राफी, यहां पर दर्शक को जो है नहीं एक्चुअली, पर दर्शक के माइंड स्पेस में वो क्रिएट होता है, दैट स्पेस एंड ऑडियंस के माइंड स्पेस दोनों एक हो जाते हैं, ये इमेजिनरी। तो इस तरीके से स्पेस के ऊपर अगर तो ये तो बहुत ये मतलब बड़ा सब्जेक्ट है। आप अगर मैं आपको एक और उदाहरण दे रहा हूं, अगर हम 6 बजे 6:30 बजे नाटक शुरू होगा और 6 बजे मैं ऑडियंस गैलरी में आता हूं और मंच पर हल्का सा है और स्टेज पर पर्दा खुला है और स्टेज पे भी थोड़ा बहुत लाइट है और दर्शक नहीं है, एक्टर्स अपना मेकअप ग्रीन रूम में कर रहे हैं या कोई अपना प्रॉपर्टीज वगैरह चेक कर रहा होता है, उस मंच पर आप यू जस्ट इमेजिन वहां पर एक
काला रंग का एक ब्लॉक रखा हुआ है, जस्ट एक ब्लॉक, 1.5 फीट बाय 1.5 फीट का हाइट का एक ब्लॉक रखा हुआ है। और एक सॉरी ब्लैंक ब्लॉक, खाली ब्लॉक आप, और पास में एक मैं वहां पर जब पहुंचता हूं मुझे वो ब्लॉक ब्लॉक ही नजर आता है, वो पिलर पिलर नजर आता है, लकड़ी का बना हुआ है। तब मैं कुछ नहीं, अब दर्शक को आप बोलेंगे कि क्या है वो यही और एक ब्लॉक है, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि लाइव नहीं हुआ है, वो डेड स्पेस है, वो अभी इसीलिए बोल नहीं रहा है। फर्स्ट बेल होता है, ऑडियंस आते हैं, सेकंड बेल होता है, आप थोड़ा थर्ड बेल हो जाता है, ऑडिटोरियम हाउस लाइट चला जाता है, स्टेज कंप्लीटली डार्क है। उस डार्क के बीच में से एक इमेजिन करो लाइट्स आता है, बैक लाइट ब्लॉक के ऊपर एक मतलब क्राउन, एक किंग का क्राउन रखा हुआ है, बैकलाइट हो रहा है, और उसके उस ब्लॉक के बैक में एक सिलहट इमेज में हम देख रहे हैं एक आदमी, उसके हाथ में एक तलवार है। ये दृश्य को आप कल्पना कीजिए, धीरे धीरे वो उस मुकुट को उठाता है और अपने मस्तक पर लगाता है, ब्लॉक के ऊपर बैठ, धीरे धीरे लाइट्स ओपन होता है और आपको बता रहा हूं इमेजिनरी कैरेक्टर्स, मैंने एकदम से यही पर इमेजिन किया इस सीन को। अब उस दृश्य को देखने के बाद वो आधे घंटे पहले आप जिसको एक काला सा एक ब्लॉक, एक बंबू का, एक लकड़ी का एक कोई डिजाइनदार पिलर था, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, एक पैलेस का पिलर हो चुका है और बाकी वो जो ब्लॉक है वो का है। तो ये जो कि माइंड में हमने क्रिएट किया है, मैं उस थिएटर में विश्वास ही नहीं करता जिसमें चीजें जैसा कहता है ना राइटर, जो लिखा है ऑथर्स प्ले राइटर जो लिखा, हम वही चीज दे दिया, देयर इज नो इमेजिनेशन इन इट, वो तो कारपेंट्री है, इट इज टोटली कारपेंट्री, उसमें नहीं है, वो जस्ट इलस्ट्रेशन आपने जो लिखा हुआ है क्रिएट कर दिया वहां पर, उसमें कोई कोई आर्ट नहीं है। आर्ट तो वो है जब हम कुछ स्पेस क्रिएट करते हैं अपनी वर्क्स में, अपने डिजाइन में, अपनी कंपोजिशंस में, हम स्पेस के लिए, ताकि वो उसके अंदर घूमे घूमे देखे। ऐसा नहीं कि मतलब आके ऑडियंस आके बैठेगा स्टेज पे आ जाएगा, आ भी सकता है, आजकल दर्शक उसको ऑब्जर्व करे देखे, और जो चीज वहां नहीं है, जो आप छोड़ रखा है उसका फुलफिल करें, तब पार्टिसिपेशन होता है, नहीं तो ऑडियंस बैठ के नाटक देखता है, नाटक खत्म होने के बाद क्लैपिंग कर लेता है और चला जाता है, वो ऑडियंस को मैं पैसिव ऑडियंस कहता हूं, उसका कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं होता है, सिर्फ नाटक देखने के लिए चले जाते हैं, यहां जाते हैं और जैसे ऑडिटोरियम के गेट भूल जाते हैं, क्योंकि उनका कोई कंट्रीब्यूशन। कन्फ्यूशियस ने कहा था, चाइनीज फिलोसोफर कन्फ्यूशियस ने कहा था, आई सी आई हियर आई फॉरगेट आई सी आई 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 टू आई इन्वॉल्व इन्वॉल्वमेंट में आई पार्टिसिपेट, इन्वॉल्वमेंट तभी होगा जब आप करेंगे। और मेरी नाटक में, मेरी सिनोग्राफी के अंदर में मैं दर्शक को स्पेस क्रिएट करता हूं दर्शक के लिए, ताकि वो उसके अंदर खुद उस चीज को वहां से निकल कर अपनी उसका पूरा करे और उस पूरे पूरे नाटक का आनंद ले। और 1000 ऑडियंस मेरे पास है, तो एक छोटा सा पिलर कई रंगों में हर एक दर्शक का अंदर अलग 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 अलग, वो छोटा सा ब्लॉक का जो वो थ्रोन का शेप साइज डायमेंशन प्रोपोर्शन सेम नहीं होंगे, सारे अपने अलग इमेजिनेशन होगा, बिकॉज वी आर इंडिविजुअल, एवरी इंडिविजुअल इज यूनिक, हद सोच है, विचार है, हम अपनी लाइफ के हम अपनी एक्सपीरियंस के साथ जब जुड़ेंगे, मेरे लिए जो राम है वो
आपका राम कुछ और होगा, मेरा राम कुछ और होगा। तब हम कहते छोटा सा ब्लॉक, एक छोटा सा पिलर जो मैं डिजाइन मंच पर, वो कितने आयाम में बदल जाता है उसके डायमेंशन, जैसे मतलब एक चीज की हजार रूप, वो अमूर्त हो गया, वो इमोर्टल हो जाता है, वो मंच इमोर्टल हो जाता है। फिर दर्शक जब घर जाएगा वो मरते को भूल नहीं सकेगा, क्योंकि वो उसने खुद मिल हमारे साथ मिलकर तैयार किया है, मिलकर कलाकार और दर्शक दोनों मिलकर हमने इस, तब उसका भी उतना ही हिस्सेदारी है किया है, पर उसका कंटिन्यू है हमारा 2 महीना 3 महीने तो वैलेंट होता है, बल्कि उससे भी ज्यादा होता है, क्योंकि वो नहीं होगा तो हमारी, इसलिए आप रिहर्सल्स को कितना भी शो नहीं हो सकता, शो तो तब होगा जब मंच पर कला चरित्र को निर्वाह करते हुए मंच का साथ दर्शक की तरफ मुखातिब होता है, मंच को लेकर, तब लिविंग स्टेज कहते हैं। लाइफ में एक उदाहरण के तौर पे आप एक लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस इस तरीके से, जीवन के 40 साल के पड़ाव में हमने बहुत दुनिया देखे हैं, जिस तरीके से रंगमंच में जितने में मेरी सीमित बुद्धि के दरमियान मैंने जितना काम कर पाया, अच्छे निर्देशकों का साथ, शुरुआत में हिंदुस्तान के सारे जो लेजेंडरी और मोस्ट बहुत सारे डायरेक्टर्स के साथ काम करने का अवसर मिला, बहुत कुछ सीखा, इतने थे 3 साल में, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं आज भूल चुका हूँ राष्ट्र नाट्य विद्यालय की वो ट्रेनिंग को, क्योंकि याद नहीं रहता। और क्या याद रह जाता है, आपका काम, आप जो काम मेरे लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज आया, मेरा भारत भवन में 5 साल 6 महीना मेरे समय का जो मैंने व्यतीत किया वहां पे, और 365 दिन में मोर देन 200 शायद बहुत कम रंगकर्मी के किस किस्मत में ऐसे हो पाएगा। ट्रेडिशनली तो लोग करते रहते हैं बंगाल थिएटर में दिल्ली 3-3 शोज लोग करते रहते हैं, बट कंटेम्पोररी थिएटर की बात मैं अगर करूं तो शायद राष्ट्र नाट्य विद्यालय भी इतना शो नहीं कर पा उस समय। ये करण जी का मिशन, मुझे ये करना है, मुझे एक रंग आंदोलन क्रिएट करना है मध्य प्रदेश में, तब उन्होंने अच्छा खासा राष्ट्र नाट्य विद्यालय का निर्देशन तोड़ छाड़ कर, हम लोगों ने स्ट्राइक भी किया था, मत जाओ बाबा मत जाइए, उन्होंने सुना नहीं, ठुकरा दिए एनएसडी को, आके मध्य प्रदेश रंगमंडल में 5 साल रहा, और जैसे वो गए वहां से सुरेश भरद, उसके बाद आए विपिन ने भी कुछ महीना वहां काम किया, और हम लोग एनएसडी से तब हाल ही में पास किए थे विभा मिश्रा, मैत्री आलोक चटर्जी, इज अ वंडरफुल एक्टर। तो ऐसे ऐसे लोग आकर वहां, और वो जो शुरू हुआ पर पीछे मुड़ के नहीं देखा, हम 45 नाटक 45 एक समय पे करते थे 60 दिन के, और एक टू जेड 45 नाटक का शो कंटिन्यू, और इतने सारे रंग निर्देशक, इतने निर्देशक जॉन मार्टिन, पीटर ब्रो, और भी बहुत नहीं आ रहे हैं उस समय के हमारे हिंदुस्तान में, तो सारे दिग्गज रंग निर्देशक शंभुदा से लेकर हबीब साहब से लेकर करण जी, रुद्रदा, कन्हैयालाल, रतनदा, बंसी जी तो वहीं के बन के रह गए, लोगों के रविंदा के नाटक का डिजाइन करते थे, तो इन लोगों के जो काम का सिलसिला शुरू लिए एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव रहा, वो जो वर्क का जो काम लिखा है, जो प्रोफेशनलिज्म है, वो भारत भवन ने ही मुझे दिया, जो कि ऊर्जा बन गया मेरे
एटलीस्ट यहाँ तक ले आया, यहाँ तक मैं आ पाया। तो राष्ट्र नाट्य हम लोगों ने थियोरिटिकली थोड़ा बहुत सीखे थे, उस वक्त तो मुझे इतना नॉलेज भी नहीं था, ज्ञान भी मैं क्या नहीं करूंगा, बिकॉज आई एम मैं बहुत मैंने देखा हूँ मुझे अच्छा नहीं लगता क्योंकि एक तो लैंग्वेज की इतनी प्रॉब्लम्स है। आई एम नॉट ए हिंदी स्पीकिंग हिंदी स्पीकिंग ओडिया। तो ये आज मुझे समझ में आया कि मेरी जो स्ट्रेंथ है, मेरी कल्चर है, मेरी फेस्टिवल्स है, हमारी ट्रेडिशन है, ये आया है 22 साल तक मैं जो रहा गांव में, गांव में मेरे एंसेस्टर मिल देखा है, नदी देखा है, इतने नदी में तैरना, बाढ़ में डूबना, तितलियों के पीछे भागना, लाकर अब छोटे से पिंजरा बनाकर उसके अंदर रखना और उसको एक दिन वो उड़ जाए, तो ऐसे अब नदी में तो आप मछली नहाने जाते थे और बहुत कॉमन सी बात है, आप अपने धोती को या अपने गामछा को थोड़ा सा यूं कर लीजिएगा, आप कुछ ना कुछ होते थे। तो ऐसे एक बिल्कुल रिमोट कॉर्नर से आना, एक ये इस नेशनल लेवल पर, राष्ट्रीय पटल पर और लेवल पर काम करना, तो ये मेरे लिए प्रॉब्लम, शुरू शुरू में मुझे बहुत प्रॉब्लम हुआ ये सब देखने के, जब देखा लोगों को हम आके देख रहे हैं, लड़के लड़कियां किस रहे हैं, मेरे लिए वो अनुभूति बहुत इतना ही अब क्या कहते हैं साई नेचर का हूं मैं, मुझे क्योंकि वो संस्कार बदल नहीं सकते। आप भले ही मैं डायरेक्ट किया हूँ, बोले इंटरनेशनल लेवल पे काम करता रहा हूँ, फिर भी वो जो वो तो गांव का है। मैं बिल्कुल ही नहीं लिया, मैं जो हूँ वो ही हूँ, और वो मेरा तब क्या हुआ कि मैं जिस चीज को अपना कमजोरी समझता था उसको अपनी औजार के कल्चर की तरफ मुखातिब, हमारी जमीन, हमारे खेत खलिहान है, उड़ीसा तो नदी बहुल देश है, वहां हजारों नदियां हैं, नदियों के ऊपर नदियां हैं, छोटे छोटे नदियां हैं, आप एक नदी में घुसो तो दूसरे नदी में निकलते हो तैरते हुए। नाव में अपने बचपन में अपनी मेरी माँ में बाढ़ में मेरी मम्मी अकेला बेटा था, मेरे बहन वगैरह भाई वगैरह पैदा नहीं हुए थे, 5-6 साल तक मैं अकेला था। और हम 16 मेरी माँ का जो मायके है, मेरी मामा का घर में, मेरे मैटरनल अंकल का घर जो है वो मेड़ के अंदर में चल के जाना पड़ता है, उस समय भी साइकिल बहुत नहीं होते, 65-64 उसके पहले 60s की बात, जब जाती थी रेनी सीजन में नदी में बैठती थी नाव में, और उसके साथ मैं भी जाता था, और वो नाव जब हुआ एक नदी से दूसरी नदी, तीसरी नदी, तीसरे से चौथी, पता नहीं कि करता हुआ सुबह हम बैठते थे, शाम को जाके पहुंचते थे मामा के घर। तो ये जो एक्सपीरियंस है, ये एक्सपीरियंस अगर मैं यूज नहीं करूंगा अपने मंच पर, मतलब मेरा जन्म को लाना थे, अगर मैं अपनी लाइफ से चीजों को नहीं उठाया, मैं किताब पढ़ा रहे बुक, हजारों बुक से मैं चीजों को खास, मेरी अनुभूति तो नहीं है ना, वो इम्यूनिटी को बढ़ाता है। अगर मैं बुक्स पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं जो कि मैं, लेकिन पढ़ना मैं बुरा से रीडर, ये बात तो सच है, शायद बहुत लोगों को शायद पता होगा, बहुत एक्चुअली मैं बहुत पढ़ता रहता हूं, बहुत जरूरी है, पर पढ़ के उसको हूबहू उतार लेना वो मूर्खता होगा, भूल जाइए उस किताब को, भूलिए सिर्फ उसकी सिंथेसिस जो सारांश आपके अंदर गया है, आप अपनी अनुभूति के साथ जुड़ जाएगा और उसमें जो चीजें बनेगा वो आपका ही होगा, आपकी लाइफ से निकलता है, कहीं बाहर से नहीं निकलता है। तभी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात, थिएटर रॉयल शेक्सपियर कंपनी स्टार्टफोर्ड ऑफ एवन में है, पीटर ब्रुक वाज द डायरेक्टर वंस अपॉन अ टाइम, मैं ब्रुक का फैन हूं, मैं उनके साथ थोड़ा बहुत है, तो उनकी वो कहते भी हैं और हमें
वहां भी उन्होंने बोला था और उनकी किताब में भी है यू कैन गो। उन्होंने ये कहा कि टाइटस एंड्रोनिकस प्ले, टाइटस एंड्रोनिकस प्ले शेक्सपियर का सब मतलब अच्छा प्ले नहीं है, वो एक तरह है। प्रस्तुति तब तक नहीं हुआ था जब पीटरब्रुक ने किया, इट वाज अ वंडरफुल शो। लोगों ने कहा आप तो शेक्सपियर को मात कर दी। बात को समझने की कोशिश करें, उन्होंने कहा कि आप शेक्सपियर को, पेपर में भी रिव्यूज आया कि शेक्सपियर गेट न्यू लाइफ प्रोडक्शन, आपने तो वो चीज किया जो शेक्सपियर ने नहीं लिखा, आपने अद्भुत किया। आप बहुत अद्भुत था, मैं इंटरनेट पर रिसर्च किया उसकी, यूट्यूब से 1954 की प्रस्तुति, 1954 की, हमारे जन्म भी नहीं हुई होगी, 1954 की प्रस्तुति है। और लॉरेंस ऑलिवियर वाज डूइंग द, तो ऐसे प्ले नेचुरली अच्छा होगा, बट पीटर दिया दैट इज समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। और हम सारे निर्देशकों को, डिजाइनर्स को ये बात याद रखना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा जो चीज हो ही नहीं सकता, अगर नहीं होगा कहीं, आप कितना भी कोशिश करो उसको ला नहीं सकते, आपकी जीवन की एक्सपीरियंस टच नहीं करेगा, आपकी अनुभूति को वो टच करता है जो चीज वहां पर है पर आपने देखा नहीं। मैंने देखने की कोशिश किया उसको, स्टेट ऑफ एम्ब्रियोनिक मतलब एक सुप्तावस्था में सोया हुआ, नाटक के अंदर छिपा हुआ था, ध्यान नहीं गया और डेड था, पर उसमें लाइफ होने का जैसे स्पेस की बात में करता हूं। और लोगों ने उसको देखा नहीं, उसको अनदेखा करके ब्रुक करेंगे, सॉरी शेक्सपियर का प्लेस करेंगे तो कहां से उसमें जीवन आएगा, कहां से हो पाएगा प्ले है। तो ब्रुक ने कहा कि मैं उस जो सोए हुए चीज है, प्रायोनिक हालत में थे जो उसके अंदर में जो कंसेप्ट, जो विजुअल, जो इमेज, जो इमेजिन सुप्तावस्था में था, एम्ब्रियोनिक स्टेट में था, उसको मैंने जगाने, तब उन्होंने एक करते किया है कि मुझे कोई पुलिस थ्रिलर लाके दे दो, कोई भी डिटेल कहानी डिटेक्टिव लाके दे दो और बोलो कि इसको टाइटस एंड्रोनिकस करके दिखाओ, तो मैं क्या, मेरा बाप ये ऐसा ही कहते हैं वो, क्योंकि वहां नहीं, जो वहां नहीं है तो आपकी एक्सपीरियंस तक नहीं पहुंच पाएगा जो आपके लाइफ का साथ, अगर आप उस अवस्था में जिए हो तो जरूर आप पहुंच जाओगे एक्सपीरियंसेस से। तो वो चीजें वहां से आप मंच पर ला सकते हो कोई, इसीलिए मैंने लिविंग स्पेस, स्पेस को जिंदा करना वो एक्टर्स का जिम्मेदारी है। तो मुझे लगता है कि तो ये जो सब्जेक्ट रहा है जो जो जिसको मैं पढ़ाता हूं, पर मैं रिसर्च किया हूँ, किताब लिखा हूँ, लेकर मैंने एक नई, मैं नई करने की कोशिश करता हूँ। मैंने कहा था कि चीजलिंग, तो चीजलिंग का काम जो तो है कारीगर का है, वो स्कल्प्टर का है, स्कल्प्टर चीजल करता है, लकड़ी को तोड़ता है, उसके अंदर मूर्तियां निकालता है, उसको हम चीजलिंग कहते हैं, हथौड़ी और निहान से या चीजल से करते हैं। तो उसमें से क्या करता है एक वुड ब्लॉक, अगर हम वुड कार्विंग की बात करते हैं या स्टोन कार्विंग की बात, तो जो का जो क्राफ्ट्समैन जो कारीगर लोग होते हैं वो उसमें से निकाल देता है, तो वो जो निकाल देता है, जो रह जाता है वो आपके सामने पूर्ण होता है। तो इसका मतलब मूर्ति स्पेस में वो जो लकड़ी के वुड ब्लॉक के अंदर मौजूद था, हमने क्या किया, उस चीज को हटाया, जो चीजें अननेसेसरी था वो हटा दिया, मैं एक जीवंत रूप में एक डिवाइन पावर क्या आता है जो कि अमूर्त हो जाता है हमेशा के लिए, क्लासिक फॉर्म ऑफ आर्ट्स हो जाता है। माइकल एंजेलो का आप स्कल्पचर देखिए, डेविड है, पिएता है, ओ माय गॉड, अब हमारी टेंपल को जाए, हमारी टेंपल कल्चर स्कल्पचर में देखिए, कोणार्क में, खजुराहो में, अजंता में, क्या कविता क्रिएट की, क्या पोएट्री क्रिएट की है आर्टिस्ट लोगों ने, पत्थरों के अंदर से जो यूज़लेस पार्टिकल्स थे उसको निकाल दिया, तब उसके अंदर से मूर्ति निकला, तब जो मूर्ति है वो जीवंत हो जाता है।
इसका मतलब जो स्कल्प्टर है वो पहले से विजुअलाइज कर लेता है उसके अंदर, वो हमें नहीं दिखाई देगा। वो पत्थर किसी पहाड़ से आया था और मार्बल का स्टोन ऐसे ही था, उसको तराश मूर्ति को ढूंढने की कोशिश की और तब उन्होंने देख पाया उसके अंदर मूर्ति को, ने उसको उपस्थापित किया। उसी स्थिति में आज डिजाइनर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मैं जब तब मंच एक ब्लॉक की तरह लेता, मैं उसको यूज कर थ्री डायमेंशनल वुड ब्लॉक लाइक एक स्कल्पचर का पीस या कार्विंग करता है, उसकी अंदर को कार्व करता हूं मैं, कार्व और उसकी अंदर में कविता क्रिएट करने की कोशिश करता हूं। पोएट्री पोएट्री कभी सेंस में मत लीजिए, कविता के रिदम है, उसकी लाल है, गति है और उसकी जो मेटाफर है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, मैं वो विजुअली क्रिएट करने की कोशिश करता हूं। मंच नाटक में आप देखेंगे कोई स्टैटिक ऑब्जेक्ट स्टैटिक होता, मूविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, आते हैं जाते हैं, प्रॉपर्टीज आते हैं। मेरे जो भी नाटक अगर रिसेंटली आप देखे होंगे, मैं चाहे वो क्या तुम्हारा रिसेंट का प्ले हो या अगस्त का ख्वाब हो, एक मत्ते एकलव्य कन्नड़ा प्ले हो या इवन शकुंतला, मेरी रिसेंट प्रोडक्शन है कालिदास की शकुंतला में हम ओडिसी मुद्राओं का इस्तेमाल, हमने इमेज क्रिएट करने की कोशिश किया। तो जब वह दृश्य विजुअल्स हम एक्टर्स को जो है, मेरे लिए वो एक मूर्ति के रूप होता है, जीवंत है, उसके अंदर वो गति होता है, स्टैटिक होता है पर उसके अंदर वो जो है, एक लाइन जब मूव करता है उस लाइन में जो फ्लो है वो डायनामिज्म मेरे एक्टर्स में आता है। अभी वो एक्टर्स के अंदर में पोएट्री क्रिएट होगा, वो स्पेशियल रिदम, इसको मैं कहता हूं स्पेस रिलेटेड रिदम, सो उसका रिदम वो स्पेशल नहीं, स्पेशियल SPATIAL स्पेशियल रिदम करते हैं इक्वल डिविजन में मूवमेंट्स और ऑब्जेक्ट की मूवमेंट, प्रॉपर्टीज आता है जाता है, उसकी फ्लो है। मैं अपनी ओडिशा का नदी नाला पहाड़ जंगल अपनी घाटियां अपनी लैंडस्केप, जब हवा घुसती है ये समय जब तूफान आता है उसके रूप पर, हम बहुत तूफान हमारी वहां पर हम चले हैं एवरी ईयर, अभी सीजन नवंबर में भयंकर तूफान आते हैं, अभी भी कुछ समय पहले भी आया था, तो तूफान में पेड़ होता है, घर बार सब उड़ जाते हैं, उसकी जो लाइंस बनती है वो लाइन को आप नदी के किनारे आप बैठिए उसमें जो फ्लो होता है पानी का जो फ्लो है या समुद्र की जो लहर है उस ताकत होता है, दोनों अलग है, वो सारे डिफरेंट मूड्स को डिपिक्ट करते हैं। और मैं कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैं सिर्फ अपनी जमीन अपनी लैंडस्केप अपना परिवेश अपनी वातावरण अपनी लोग को उनकी मूवमेंट्स को लाकर अपनी चलोने की कोशिश किया। और अपने कभी आप विंसेंट पहने कपड़ा होता है जिसमें यू लहर होता है, तो उसमें हम कोल माइंस का उसमें जो बवंडर क्रिएट होता है, जो लाइंस की खेल है, जो मोमेंटम जो डायनामिज्म बनता है लाइन, वो मेरी डिजाइन है, वो मेरी डिजाइन कोई वो नहीं है, विंटर का काम है, मेरा काम नहीं है। और कब तक, हाँ कहीं आपको एलिवेशन चाहिए तो आप यूज कर सकते हो, बट नॉट द वे मंच पर कुछ चीजों को डायमेंशन क्रिएट करने के लिए, स्पेस को ब्रेक करने के लिए हमने कुछ प्लेटफॉर्म्स लगा दिए, स्टेप्स ला के लिए, नो नॉट एट ऑल, बेयर स्पेस एक्टर के लिए खेलने के लिए मजा आता है, उसको ज्ञान चाहिए, एक कलाकार को क्या चाहिए, खास करके हमारे इंडियन एक्टर्स को, इंडियन एक्टर्स भरत ने तो शिव के साथ कल्पना कर लिया, मस्तक जो है आसमान में और धरती पता है एक हाथ उत्तर मेरु में दूसरे हाथ, आप जब मंच पर आते हैं दैट इज द एक्टर, भाई को देखा हूं मनोहर सिंह को परफॉर्म करते हुए रहते हुए, मैं ऐसे सुरेखा जी को परफॉर्म करते हुए देखा हूं, मैं उत्तरा जी को परफॉर्म करते हुए देखा हूं, मैं उस जमाने को बिलोंग करता हूं। पर जब मैं इन लोगों राजेश विवेक जी को दिखाऊं
फिल्म में पता नहीं, मैं ज्यादा फिल्म नहीं देखता, उनकी क्या हस्ती रही होगी, बट मंच पर वो बात होता है, क्या परफॉर्मेंस किए थे छोटे सैयद बड़े सैयद में, मैं भूल नहीं सकता। मैं तैना का प्रस्तुति देखा हूं और करण जी के वर्णमन में एक्टर्स को, मैं अनंग देसाई को देखा हूं जो मंच पर, क्या एक्टर उस जमाने का, मैं नामदेव भैया का वो भी नामदेव अद्भुत अद्भुत कलाकार, फिल्म में भी उतना ही महारत है, बट पूछा जाए तो मंच पर जब मिलता है वो कैमरा के सामने कहाँ आएगा, वो एक छोटी सी बक्स के अंदर में आप बंद हो जाते हैं, टेलीविजन और मतलब मीडियम बन जाता है हमसे, पर मंच पर एक्टर को खेलने के लिए एक ओपन स्पेस चाहिए। तो उसको अगर हम प्रॉपर्टी अगर हम सेट में भर देते हैं, हम उसको कंजस्टेड कर देते हैं, जैसे कि अब करने के लिए बहुत सारे कमर्शियल थिएटर में ये चीजें इस्तेमाल होता है, बट स्टिल देन ठीक कुछ हद तक तो ठीक है आपकी पॉइंट ऑफ व्यू, बट प्रोफेशनल सिख पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलूंगा, उसके अंदर मुझे स्पिरिचुअलिज्म नजर भी आती, स्पिरिचुअलिज्म नजर आया, वो कैसे ग्लैमरस, वो तो मतलब आपका मीरा भाई बन जाएगा ना, वो सादगी, वो सिंपल नहीं चाहिए, एक एम्प्टी स्पेस चाहिए एक एक्टर को, और वो राइन शिव बनता है, वो सीखना है उसका नृत्य को, अगर हमें एंजॉय करना है तो उसको ओपन छोड़ दो, खुला छोड़ दो, खेल के अंदर में आप आज डिजाइनर क्रिएट करने के लिए गिव हिम मिनिमम ऑब्जेक्ट, सिंबलिज्म सजेस्टिव से, सजेस्टिव डिजाइन इज द बेस्ट डिजाइन, इसीलिए तो रियलिज्म खत्म हो गया, उन्होंने कहा रियल की नहीं, रियलिस्टिक डिजाइन खत्म यूरोप में फिनिश हो गया, अब इंडिया में खत्म भी हो गया, 80 के दशक के बाद मैं भी नहीं देखा, आधे अधूरे भी करते हैं हम अभी, उसमें भी हम सिंबलिज्म इस्तेमाल होता है, तो एक दिन तो है ही, बहुत मेटाफर में बात करता है, कविता है वो, तो ऐसे नाटक में जब करते हैं तो आप एक्टर को मत बांधिए, बांधने की कोशिश मत कीजिए, ये आप अपने ऊपर आत्मघाती कर रहे हो, कलाकार के साथ आप अन्याय तो कर ही रहे हैं, उसके साथ आप वर्चस्व स्थापित करने के लिए, ईगो सैक्रिफाई करने के लिए मैं कुछ मतलब ऐसे चीजों में बांध देता हूं उसको, वो हिल नहीं, मेरा एक्टर के साथ बहुत संबंध रहा है, तरह तरह के संबंध रहा है, कई तरीके से एक्टर के साथ काम करने का मौका मिला है, सीखिए है उनका साथ तो मैं करता ही रहता हूं, शुरू करता हूं बिल्कुल जीरो से, और जब अब अच्छा प्रस्तुति कुछ बनाने की कोशिश की तब हम वो भी मेरी लाइकिंग्स के, मेरे माइंड सेट, मुझे समझने वाला एक्टर चाहिए, डायलॉग्स का नाटक का टेक्स्ट पढ़ दे वो आपने उसको डायलॉग बोल दिया वो नाटक में बोलता है सॉरी मैं मर जाऊंगा ऐसे काम नहीं कभी नहीं, मेरे एक्टर मंच पर एक विजुअल टेक्स्ट बनाता है, विजुअल टेक्स्ट उसकी शरीर वो मेरी सिनोग्राफी है, मतलब मेजर पार्ट ऑफ माय सिनोग्राफी, और कोरियोग्राफी जो हमारी क्लासिकल इंडियन थिएटर का जो कोरियोग्राफी होती है वो ही तो मेरी सिनोग्राफी है, जहां पर आप एक धनुष और तीर लेकर मंच पर जाते हो तो कोई धनुष नहीं है कोई तीर नहीं है, एक्टर वहां पर तीर को परफॉर्म करता है, आप देखिए कितनी क्या मतलब क्या डायनामिज्म है इस थिएटर का। मैं शकुंतला नाटक अभी अगले साल में अमेरिका में किया था तो मैं अपनी तो आप भी हंसेंगे, मैं नाटक वहां पर ट्राई किया था उनके एक्टर्स को लेकर, मैंने जब किया मैं इंडियन स्टाइल में करने की कोशिश, जबकि मेरे पास कोई कोरियोग्राफर नहीं था, कोई नहीं था जो मुझे सिखा सके, कोई लाए प्रॉपर वो नहीं थे, स्टूडेंट प्रोडक्शन था, फिर भी मैंने क्रिएट माई ओन कंपोजिशन जिसमें मैं कहा कि मुझे हिरन चाहिए छे, ये सेंट्रल मिशिगन यूनिवर्सिटी ये सितंबर 2018 की बात है, सितंबर अक्टूबर नवंबर दो तीन महीना में अप्लाई किया, मुझे छह हिरन चाहिए तो मुझे एक्टर्स कौन काम करेगा, तो उन्होंने ये इतना सुना और नेक्स्ट डे ब्यूटीफुल सिक्स एक्टर्स वन बिकॉज दे आर हाईली प्रोफेशनल एक्टर्स, आप किस चीज के लिए आप यूरोपियन और अमेरिकन, अमेरिकन में वो प्रोफेशनलिज्म है, मतलब वो लोग मजदूर हैं बट वो यूरोपियंस की तरह इतना ईगो नहीं है उन
के अंदर वो बहुत ही प्रोफेशनल है, वो अपने 6 एक्टर रातों रात बनी है फैक्ट्री में, मास्क पहनाकर एक्टर को खड़ा कर दिया मंच पर, मैं सर पे हाथ दे दिया, मैंने कहा व्हाट यू आर डूइंग अननेसेसरी ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी ऑन दिस, आई डोंट नीड इट, तो हाउ कैन वी क्रिएट हिरन, हाउ कैन वी क्रिएट अरिगन। मैंने उसको कहा कि यार एक बार तो कंसल्ट कर लेते मेरे डायरेक्टर, कम से कम एक बार मुझे पूछ तो लेते। बोले कि you'll start shouting at us, अब जो कि मेरी थोड़ा बहुत आदत है, थोड़ा बहुत नहीं है, मैं बहुत जल्दी हूं, तो थोड़ी क्योंकि हमारी इंडियन टेम्परामेंट है जो अमेरिकन को बिल्कुल पसंद नहीं है इस तरीके से बातें, बात ही नहीं कर सकते एक बहुत सफल वहां पर, जिस तरीके से मैं आपसे अभी मुखातिब हो रहा हूँ ये टोन में कभी भी नहीं रख सकता अमेरिकन और यूरोपियन के लिए, उनको यूरोप अमेरिका में इतना नहीं है, यूरोपियन में ईगो है, मैं बहुत काम किया हूं, मैं जानता हूं इस चीज को, हाउ टू टैकल माई सेल्फ, टू मैनेज माई सेल्फ इज ए बिग प्रॉब्लम। तो वो ऐसे स्थिति में मैंने कहा कि पर मुद्राओं का इस्तेमाल होती है, आप अगर आप ऐसे करते हो, अगर आपको दिखाई दे, अगर आप ऐसे करते हैं और उसमें से आंखों का वो और जंपिंग, अगर बॉडी में जो जंप होता है हिरन का, वो जंप और रिदम के साथ अगर चलेगा, दैट इज द डियर आई नीड, वही एक्ट भी बनेगा दूसरे सीन में, दूसरे सीन में और कुछ बनेगा। अगर आप मास्क देंगे, आप बांध दिया, आई डू टू रेस्ट्रिक्ट माई एक्टर्स, पहले भी मैं बोला था, अभी भी बोल रहा हूँ, इसीलिए मेरी जो मास्क, मैं भी अपने मास्क यूज करता हूँ क्योंकि मेरी डिजाइन के हिस्सा होते हैं, पर मैं बहुत सिंबलिक मास्क यूज करता हूँ, स्ट्रक्चरल मास्क यूज करता हूँ, एक्टर का फेस कवर नहीं करता, पहले तो उसको टेक्निकली प्रॉब्लम है, सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, तो चाहिए उसको अनकंफर्टेबल बिल्कुल ही नहीं महसूस होना चाहिए, नहीं तो पता चला अगर आप पहने हुए और आपकी जिप्स खुली हुई है कैसे परफॉर्म कर पाओगे, आपका कॉन्शियसनेस हमेशा जाएगा कि मैं इसको कैसे बंद करूं। सेम थिंग टू मास्क का डिजाइन आल्सो, अगर सीढ़ी की हाइट ज्यादा, एक्टर अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा है क्योंकि उसको तो आदत है 8 इंच 6 इंच के अंदर में एक स्टेप को अपने वहां पर एक 12 फुट का 12 स्टेप रख दिए, तो ये प्रैक्टिकल, तो हमारे थिएटर इंडियन वो परफॉर्मेंस बेस्ड होता है, तो डिजाइन बेस्ड है, तो यही से ये कल्पना मेरे दिमाग, ये पिछले 10-12 साल से मैं काम कर रहा हूं कि एक एम्प्टी स्पेस जहां पर डायनामिज्म क्रिएट हो एक्टर्स की परफॉर्मेंस के थ्रू और मिनिमम टू मिनिमम सेट ऑब्जेक्ट्स, मुझे बहुत बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारे पास एक तो साधन नहीं है, आप मेरे पास पैसे नहीं होते थे जब मैं नाटक किया हूं शुरू किया था, बिल्कुल पैसे नहीं साधन के अंदर में, अब हमारे लिए पुअरी थिएटर है ये ग्रोटोस्की का पुअर थिएटर का कॉन्सेप्ट नहीं है, उनके पास सब कुछ होने के बाद भी सब तैयारी, वो बाद में वो स्पिरिचुअल संत बन गया बुद्धिजी, मेरे को मुझे वो नहीं करना है, मुझे थिएटर में रहना है, बट हमारी अभाव हमारी वो मुझे ज्यादा कल्पनाशील बनाया है, पास साधन होते पैसे होते तो हम भी आज बहुत जैसे यूरोप अमेरिका में ऑपेराज होते, ऑपेरा में ऑपेरा देखा पागल हो गया, न्यूयॉर्क में मैं ऑपेरा देखने गया, $500 देकर एक टिकट खरीदा, वो पीछे वाला सीट में बैठा, मतलब इतने, और वो के बाद वो टिकट मुझे मिला था 2 महीने पहले हमें बुकिंग किया था, तो ऐसे ना जब हम देखते हैं उसमें क्या सेट्स होते हैं वाले, मतलब आप विश्वास नहीं करोगे क्या सिनेमा, आप क्या हिंदी मूवीज, आप हॉलीवुड मूवी दिखाओगे, उसकी जो डिजाइन और एक एक्ट और 1.5 घंटे का गैप होता है, उस दरमियान मैं बैकस्टेज में जाके घूम के उनका देखा, मैं बच्चे की तरह देख रहा हूँ, वो मुझे देख के बोले व्हाट यू आर, एक दो फ्रेंड्स के साथ गए थे, बोले कि प्रोफेसर राहुल कट देम लाइक दिस, दे विल थिंक समथिंग डिफरेंट, सो ये पर हमारी परंपरा है, वो परंपरा सादगी का है, फुल सिंपलिसिटी में विश्वास, नहीं तो भरत क्या इतना मतलब उस बहुत पढ़े लिखा महान विद्वान थे तो सब कुछ क्यों छोड़ा, सब एक एम्प्टी स्पेस को क्यों ले आते हैं, अब अमेरिका में अगर आप एम्प्टी स्पेस की एम्प्टी स्पेस किताब लिखे हैं, बिकर्ड इन इंडिया फॉर मेनी इयर्स, हिंदुस्तान के रंगमंच को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, यूजेनियो बार्बा और फिलिप जेरेली का आज डेथ हुआ है, ये बहुत कर रहा हूं, फिलिप जेरेली जो कि कलाकार एक्टिंग वर्ल्ड के नंबर 1 एक्टिंग टीचर फिलिप जेरेली, जो
यहाँ सिंगापुर में प्रोफेसर भी थे, और वर्ल्ड हमारे हिंदुस्तान में कथकली कई साल आकर यहाँ पर कथकली ट्रेनिंग लिए हैं, और मोटी मोटी वॉल्यूम सब हम लोगों ने उनकी किताब पढ़कर बड़े हुए हैं। वो फिलिप जेरली कैंसर में आज सुबह उनका मेरे पास खबर पहुंची। स्टूडेंट है हमारे इंडिया में रमापद सोती, आर पी सोती, जो मेरी स्टूडेंट भी रहा है, हैदराबाद सिंगापुर गए थे, वहाँ उनके यहाँ था, तो वो आज रो रो के मुझे फोन किए चले गए। मुझे मालूम था कि बहुत तबीयत खराब, समय पहले हमारी ईमेल करस्पॉन्डेंस हुई थी फिलिप साहब जेरली साहब से महीनों के पहले, पर ये अचानक हुआ। तो ये ऐसे लोग जो रंगमंच में जो मोटी मोटी वॉल्यूम सब बुक्स लिखे हैं, सारे हिंदुस्तान के रंगमंच को हमसे ज्यादा अच्छा जानते हैं। रिचर्ड सेक्नर से ज्यादा कौन जान सकता है रामलीला को, आप खुद सोचिए। राम 70 से 75 10 साल उन्होंने घुमा है। अगर आपको आपके हो तो ठीक है, नहीं नहीं तो आप समझ लीजिए, वो कोई एक ओवरनाइट बड़ा नहीं होता। उसके पीछे उसके संघर्ष, जो ताकत होता है, जो जुनून होता है, वो पागलपन अगर नहीं होगा, अगर आप पागल नहीं होंगे आप किसी चीज का, वो पागलपन चाहिए ही चाहिए। तब रामलीला को स्टडी किया और हमारे ऊपर थोप दिए, हमारे हिंदुस्तान चीनीज जापानीज एशियन थिएटर को लेकर उन्होंने तो परफॉर्मेंस थ्योरी, एक टोटल थ्योरी डेवलप किया है। परफॉर्मेंस थ्योरी, हमारे रिचुअल शादी ब्याह, हमारे मौत, कितने कर्म संस्कार, हमारे जनेऊ संस्कार, ये सारी संस्कारों और हमारे लाइफ में ये सारी परफॉर्मेंस ही तो है। इस लेकर उन्होंने किताब लिखा, द परफॉर्मेंस थ्योरी इज बुक दैट इज बीइंग टॉट इन ऑल इज इन अमेरिका, मैं ये देखा हूं, और हमारी हैदराबाद यूनिवर्सिटी में इट इज देयर इन आवर कोर्स, यूनिवर्सिटीज भी अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, और जी भी इसका सिलेबस में भी होगा शायद ये किताब। तो ये जो लोगों ने नाटक किए हैं, इन्होंने सच में वो जो डेडली थिएटर है, जो बिल्कुल डेड थिएटर, जिसको शुरू में एकदम अपने डिस्कोर्स की स्टार्ट उस डेडली को नकार दी है, बोले कि यहाँ पता डेडली थिएटर का मंच जो होता है मरा, बहुत सारी चीजें होती है उसके अंदर, और अपना डायलॉग टेक्स्ट बोलता है और बेवकूफ तरह कान में सुनता रहता है और जमाई लेता रहता है, और नाटक खत्म होने के बाद वो बेहोशी की हालत, तो बेहोशी की हालत में मंच पर और तो नासा आया उसके अंदर, बात पूछो भूल गया, थिएटर है इट्स ऑल, वो एक कोर्ट जेस्टर की तरह है, जैसे उसक हंसा देते हैं राजा को, हमारी कला हंसा देते हैं दर्शक को, वो हम सोचते हैं वो थिएटर है, माफ कीजिए वो नहीं है, वो बिल्कुल थिएटर नहीं है। अगर उसके अंदर में वो सादगी नहीं है, उसके अंदर स्पेस नहीं बनता दर्शक को लिए कुछ क्रिएट करने के लिए, सोचने के लिए अगर होता तो वो थिएटर नहीं माना जाएगा। दीज पीपल आर्थर, ये ब्रूक सेक्नर, ये सारे दे आर ग्रेट पर्सनालिटीज है, और उस हमारे हिंदुस्तान में भी मतलब दिग्गज, हम सिर्फ हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, अगर कहीं और होते वो न जाने आज किस स्थान पर होते। शाखाओं के माध्यम से लाइंस की बनावट में बंसी जी की डिजाइन देखिए, बंसी देखिए कौल के, बंसी कौल जी नाटक देखिए, अगर आप देखे होंगे तो सकते हैं, अगर नहीं देखे तो उन्होंने कुछ सिर्फ उनकी डिजाइन में लाइंस होती है, क्योंकि पहाड़ों का रिफ्लेक्शन, पहाड़ में जो कटी कटी स्टेयरकेस अरेंजमेंट्स होती है, खेती होती है पहाड़ों में, पंचसी के डिजाइन में उसकी रिफ्लेक्शन, और अखाड़ा के रंग हमारे हिंदुस्तान की प्योर कलर्स को लेकर एक्टर्स को एक अखाड़ेबाज, एक तमा क्या कहते एक प्लेयर की तरह बंसी जी अपने नाटक में करते। ही इज ग्रेट ग्रेट डिजाइनर एंड ग्रेट एक्टर, बट डिजाइन कभी में फ्रंट लिया, हमेशा कलाकार बंसी जी के एक्टर सामने नजर आते हैं, वो जगलर्स होते हैं, वो बाजी नटकलाओं के साथ बहुत रतन थियम विजुअलाइजर है, मास्टर वर्क्स उनके नाटक एक एक पेंटिंग्स की तरह होती है। मैं थोड़ा सा काम करता हूं, जैसे मैंने कहा मैं आई वर्क मोर नियरर टू ए स्कल्प्टर
बट दादा देखे उनका इट इज ए मूविंग पेंटिंग्स, तो उन्होंने एक थ्योरी भी याद किया है पेंट एंड इरेज मेथड। कभी मौका मिलेगा इसके ऊपर बात करेंगे कि मंच पर चला जाता है, दूसरी पेंटिंग आ जाता है, इसका समूह एक पैनल की तरह मतलब सीरीज ऑफ पेंटिंग, जैसे कथा एक समय पर आपने देखा होगा लोग घूमते थे और अपना एक बुक होता है जिसे बहुत सारे पेंटिंग राम कथा आते राम की पूरी चित्र होते हैं, चित्र रतन थियम का नाटक। तो इस कन्हैयालाल स्पेस में कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता थिएटर में, तो फिर भी ग्लैमर्स विजुअल्स बहुत ज्यादा होता है, कन्हैयालाल के नाटक में कुछ नहीं है, सिर्फ भाई देवी माँ सावित्री माँ बस और कुछ एक्टर्स वो, पर उनके शरीर की भाव से जो मंच का अनुभव हम तक छोड़ देते हैं। तो मैं आज भी वो नाटक उनका भूल नहीं सकता। पे बात होती है क्या मैं भी स्लिप कर रहा है माइंड से, तो उसी तरीके से हबीब तनवीर हबीब साहब ग्रेट, क्या परफॉर्मेंस, चरणदास पेड़ है और एक कुआं है गांव का, पर आप उनका ब्रज का टिक गाड़ी माटी गाड़ी नाटक देखिए, कुछ नहीं एम्प्टी हुए भी कुछ हमें वो पैलेस भी दिखाया है, वो बंदी गृह वो चोर का घर दिखाया, शिकार का घर दिखाए, वो आप समझिए फिफ्थ सेंचुरी के उज्जैनर की गलियारे हमने उनके नाटक में दिखाए। मैं खुद उस नाटक को 86 में दिखा था, मैं आज भी नहीं भूल, साल गुजर चुके 34 साल हो चुका है, उस नाटक को मैं आज भी नहीं भूल सकता, एक ही परफॉर्मेंस दिखाऊं, नाटक देखना और उसके बाद 35 साल तक उसको मंथन जो करता रहा वही मेरी पूंजी बन जाता है, गई है। तभी मैं कहता हूं मैं कंप्लीटली इंडियन डिजाइनर सिनोग्राफी का ऊपर काम करता हूं, और वो भी और स्पेसिफाई करेंगे, मैं टोटल ओडिया डिजाइनर हूं, हमारी ओडिशा में कल्चर यहाँ पर मेरी अंदर बसा हुआ है। तो इसी के साथ थैंक यू सुबोध पटनायक, सुबोध नमस्ते, कुड यू रिलेट स्ट्रेंथ फेयर दीज ओनली डिपेंड। अब भी मैंने इस बारे में सुबोध बात किया, अगर आप सुने होंगे, मैं अब भी जो बात वो यही था, क्योंकि फोक मेरा स्ट्रेंथ है, फोक में कुछ नहीं होने के बावजूद भी सब कुछ, सो उतना माइंड को आपको ओपन रखना पड़ेगा कि आप नई चीजें बहुत पावरफुल होनी चाहिए, ताला लगा दे समझ नहीं आएगा। कभी बादल सरकार ग्रेट है इसीलिए क्योंकि बादल सरकार फोक थिएटर एलिमेंट्स और जो स्ट्रेंथ है उन्होंने उठाया हुआ की बात करता है, थर्ड थिएटर की बात करते हैं तो उसमें अर्बन थिएटर का भी झलक रिफ्लेक्शन टेम्पररी कैरेक्टर्स है, पर ट्रेडिशनल स्टाइल हमारा स्टाइल जो फोक से लिया है, तो ये जो चाहिए बादल दा तो और ज्यादा मतलब ही मास्टर डायरेक्टर, मैं तो कहूंगा कि ग्रेट डिजाइनर आल्सो। तो दीवार आदमी को खड़ा कर दो, जैसे घासीराम कोतवाल में पटेल साहब ने, जब्बार पटेल ने जो किया था ह्यूमन वॉल, कितना इमेजिनेटिव आप सोच सकते हो, एक 10 आदमी 12 आदमी एक लाइन में खड़े हो गए, ये हमारी फोक का है, हमारी स्ट्रेंथ है, 12 एक्टर्स कोरस या 16 एक्टर्स एक लाइन में खड़े हो गए और जाता है, घर बन जाता है, जेल खाना बन जाता है, क्या क्या नहीं बनता है उसके अंदर, और सामने परफॉर्म होता है, एक्टर उसी के अंदर से आ जाते हैं, उसी में चले जाते हैं, इट्स ए ग्रुप। तो जब्बार पटेल का ये जो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, मुझे नहीं मालूम क्योंकि उनसे मेरी पर्सनल इंटरेक्शन नहीं है, मैं मानता रहा क्योंकि एक नाटक ने हमें जो सिखाया है वो बहुत कुछ, उनका साथ मेरी पर नहीं हुआ है, जबकि मोहन जी से हमारी बहुत अच्छा संबंध रहा है, कंपनी में उन्होंने मुझे एक्टिंग के प्ले में डिजाइन भी किया था, हमने कई काम किया, वो मुझे बीच बीच में मिलते रहते, उस नाटक में लीड रोल करते थे, मैं पूछने को भूल गया कि सोर्स ही ब्रॉट दिस एलिमेंट, कितनी बादल था के नाटक में भी है कि ये यहाँ पर बड़ी अद्भुत बात है, हमारी फोक की स्ट्रेंथ की बात, तो मैं तुम्हारे लिए स्पष्ट पर्टिकुलरली आपके लिए बात कर रहा हूँ और हमारे दर्शक के लिए भी थोड़ा लोगों को भी पता चले, नाटक में कालिदास ने कई
ऐसे ऐसे अवधारणा ऐसे लिखे हैं जिसको हम स्टेज डायरेक्शन कहते हैं, तो जगह पे लिखे हैं, तो उन्होंने लिखे कहीं लिखा एक जगह पे कि बैठी हुई तापसी का प्रवेश, मतलब हर्बिट वुमेन एंटर टू द अनस्टेज, तो बैठे हुए कैसे आएगी। ये इसका अनुवाद जब हुआ, पहला अनुवाद जर्मनी में मुझे जहां तक मालूम गोथे ने किया था शायद 17th century में, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। उसमें ये एक ये जो सीन है कि बैठी हुई तापसी का, तो उन्होंने दिमाग खराब हुआ उनको लगा कि क्योंकि वो यूरोपियन ऑक्सीडेंटल कल्चर है, यूरोपियन कल्चर से उन्होंने कोशिश की। अगर ग्रीक थिएटर की तरफ जाते हैं, एक ट्रॉली नुमा होता था जिसके अंदर, या लिफ्ट होता था जिसमें ऊपर से भी एक्टर्स आते थे, और एक जिसमें मरने के बाद कैरेक्टर्स को लेकर दर्शक के सामने आ जाता था, क्योंकि मौत मंच पर नहीं दिखाया जाता था। तो उनको लगा कि शायद कालिदास ने किया है कि बैठी, क्योंकि इंडियन थिएटर में ऐसे डिवाइस है नहीं, खाली मंच की बात करते हैं, कोई टेक्नोलॉजी कोई प्रॉपर्टीज उस तरीके से नहीं, तो कालिदास ने गलती किया है उनको लगा। तब उन्होंने इसका रेक्टिफाई किया, हमें इंडिया आए और यहाँ एक गुरु को पूछा, मतलब कह लो कि ये किससे हमने सुने किस्सा है, हो सकता है मनगढ़ंत हो, तो पर फोक टेल्स तो टेल होते हैं, वो तो स्टोरी से भी ज्यादा, इसमें ताकत बहुत होता है, ये स्टोरी में इतनी इतनी जीवंतता है, इतनी इंटरप्रिटेशन छिपी हुई। तो उसमें ये तो उन्होंने किसी इंडियन गुरु को कि भैया ये कालिदास ने ये गलत लिखा है, आप बताओ इसका सही मायने क्या है। तो गुरु ने देखा और उनके दो शिष्याओं को बुलाए, दो डांस बोले के कपड़े लेके आओ। तो मंच पर तो उन्होंने एक उस कपड़े के पीछे खड़ा किया, और वो दोनों कपड़ा जो यमरिका कहते हैं या रंगपट्टी कहते हैं, वो रंगपट्टी, दोनों डांसर नृत्य मुद्रा में ताल के साथ मंच पर प्रवेश करते हैं, और उसके पीछे एक्टर्स पीछे जो दिखाई नहीं रहा और आके नीचे बैठ जाती है, पर्दा हट जाता है। जब पर वहां पर जो जो एक्ट्रेस है वो प्रवेश किया, किस हालत में बैठी हुई है, तो ये यूरोपियंस का दिमाग खराब, ये भारत, यही तो हमारी जो ताकत है वो इसी चीज में, हम वर्सेटिलिटी में, हम डायनामिज्म में, इसी तरीके से बहुत गणेश को लेकर के, गणेश जो शिव के चारों ओर चक्कर लगाए थे वो भी हमारे मंदिर की परिक्रमा से आया है, और कहते हैं कि त्रिलोक को घूम लिया जबकि वहीं बैठे हुए थे। ये तो मेटाफर है, स्पेस को उन्होंने किस डायनामिज्म में देखा। तो हमारे का ताकत ये है मंच पर। आई थिंक आई मैं बहुत जी अभी कोई और इट्स माय प्लेजर टू हियर यू योर पैशन ऑन पर। थैंक यू सर, इट्स माय ग्रेट प्लेजर। मैं बहुत छोटा सा आदमी हूँ, मेरे से बहुत बड़े बड़े दिग्गज कर्मी आप जैसे दोस्त हैं हमारे, मैं बताऊँ आप कुछ मामले में, क्योंकि बहुत कम है दोस्त हैं जो बहुत अच्छे लोग हैं, जिसमें से आप भी एक हैं। मैं बात को स्वीकार कर रहा हूँ, धन्यवाद आपको। हमारे दिग्गज लोग भी हैं जो मैंने कहा, जो अभी भी सामने नहीं आ पाते हैं, छिपे हुए हैं हमारे फोकसंस में, ऐसे कलाकार, ऐसे मैं घूमने बहुत घुमक्कड़ आदमी घूमता रहता हूँ। मैं एक दिन जब बैठ जाए मेरे को, मुझे प्रॉब्लम होगा तो कहीं भाग जाता हूँ, अपने पैसे से भाग जाए। कई बार हम घर से छिप के कुछ अच्छा काम होता है, वो बचपन से हमारे भागते थे सर, तो वो आदत आज भी 8-10 दिन दूर दराज में गाँव में चले जाओ। एक बार ऐसे हमें शांति निकेतन चला गया 5 दिन घर में भी, तो वहां पर जाके एक फोक उस दिन गुजारे। तो जो कलाकार जो हमारी वहां, तो उनको फ्रंट में लाना, या आप सबकी जिम्मेदारी है, जो इस जो कर सकते हैं, जो नहीं कर सकते हैं तो मैं उनको भी नहीं करूंगा। पर जो दूंगा कि अगर आप थोड़े से थोड़ा बहुत ही सही फोक आर्टिस्ट हमारी आप पहचानिए, कोई जरूर नहीं कि जिनको सरकारी अनुदान मिल जाता है, गवर्नमेंट पदवी मिल जाता है, आप पद्मभूषण पद्मश्री मिल जाता है, वो आर्टिस्ट हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। नहीं कर रहा मैं
ये सरकारी तंत्र को बीच में लाना, खुद अपनी आंखों से परखिए कि कैसे लोगों का उत्थान उद्धार हो, ताकि कला जितना है ये हमारे हिंदुस्तान की ताकत स्ट्रेंथ जो है हमारे ट्रेडिशन में। आप कितना भी यूरोपियन कितना भी अमेरिकन बन जाओ, आप हमारी आत्मा 5 साल के पुराना परंपरा वैदिक खून हमारी बुक यहाँ पर ब्लड में है, तो कहां से उस खून को कैसे बदल सकते। वो खून का रिश्ता बहुत प्राचीन होता है। तो ये जो बात भी हम करते हैं कि हम मतलब जो बात हम कर रहे हैं, तो हमने जो लोगों से सीखा है, एक ही जन्म का नहीं होता, ये जन्म जर के या की परंपरा चली है, एंशिएंट विजडम में बदलता है, ये एंथ्रोपोलॉजी है, ये कंटिन्यूटी उसका में चलता रहा है, तो वो आके मुझ तक पहुंचा है, आप तक पहुंच। ये तो इसीलिए हम अगर कर सके तो आप उनको जिंदा, ये जो कोरोना के हालत स्थिति में, तो मैं कभी इतना दुख लगता है कि जिन लोगों का क्या जो परफॉर्मेंस बंद हो जाता है, मैं नौकरी कर रहा हूं, जो भी है मैं मेरा घर चलाने में ज्यादा, जबकि सरकार हमारे डीए सब काट दिए हमारे कर चुके, वो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पर जिन लोगों का आप सोच, जो लोग कलाकार हैं, जो गांव गांव घूमकर नाटक करते हैं, तो उनकी होगा खाने के लिए अच्छा, वो उस की जो सरकार उनको मुआवजा देगा, तो हमारी तो मृत्यु निश्चित हो गया। तो इससे बचाना है, कलाकार को सुदृढ़ बनाना है, तो इसी कामना के साथ मैं अपना ये वक्तव्य यहीं समाप्त करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके, मेरे प्यारे दर्शक या जो मेरे बंधु दोस्त भाई, क्योंकि हमारे मुझे पता है कि हमारे मीडियम बहुत कम है। अगर मेरी जगह चाहे वो न्याय खराब फिल्म स्टार होता, तो भी आज हजारों लोग यहाँ पर उनको देख रहे होते। खैर, उसकी हमें कोई देश, उनकी मीडियम अलग है, मेरी मीडियम अलग है, और मैं इसी रंगमंच में ही मरना चाहता हूँ। और इसमें खूबी ये है कि जितने लोग मुझे जानते हैं, मैं उतने थिएटर की तो यही स्ट्रेंथ है। हम एक करण जी एक बहुत अच्छी बात करते थे, ऐसे बात करें तो बहुत लंबी बात होगी। करण जी कहते थे कि रंग बिरादर, हम ब्रदरहुड ऑफ थिएटर, इसमें कोई और अनजान नहीं होता, हम सब एक दूसरे का पहचान, क्योंकि हम थिएटर रंग, इसीलिए मैं आपसे मेरी पहचान है, प्यार बन जाता है आपके साथ बात करना और आपके घर पे जाकर रहना, जरूरत हो लेना। तो इसी और वो बहुत कम लोग होते हैं जो हमारी समय थिएटर वालों का, और दर्शक भी हमारे कम होते हैं, तो उसी हिसाब से सबको बहुत 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 बार बार नमस्कार, और खास करके कोकोनट टीम और सबको मेरे बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा सेशन रहा, और विपुल मेहता जी कल आ रहे हैं, ये एक बहुत विपुल मेहता एक रिनाउंड फिल्म डायरेक्टर हैं और थिएटर का डायरेक्टर में गुजरात के रंगमंच के जानी माने और बहुत बहुत रंग निर्देशक हैं, और आप प्लीज सुनिएगा, कल का टाइम यही रहेगा 6 बजे इवनिंग को। बहुत थैंक यू, नमस्कार।